गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं चंद्रोदय मंदिर देखने, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है, पर उसमें काम चालू है, अभी वो ओपन कर दिया गया है बस देखने के लिए। चलो चलते हैं उसे। तो भाई हम निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की तरफ, यानी कि मंदिर चंद्रोदय मंदिर की तरफ। हम जा रहे हैं साइकिल से और साइकिल चला रहा है मेरा दोस्त चंद्रेश, जो कि बहुत मेहनत करी उसने मुझे ले जाने में। और हम अब चलते हैं चंद्रोदय की तरफ। तो भाई हमको यहाँ से मंदिर दिखने लगा था थोड़ा थोड़ा, वो आपको सामने जूम करके दिखाता हूँ। ये हमको मंदिर दिखाता। और भाई शाम भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि हम शाम के समय जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सन भी चला गया है। और हम जा रहे हैं शॉर्ट रास्ते से, जो कि कॉलोनी में एकर पड़ता है। मेन से जाएंगे तो भाई बहुत टाइम लगता है, और स्काई तो भाई टॉप लग रही थी आज की, और वो दिख रहा होगा आपको सामने। वो एक वो है मतलब जाने का रास्ता, हम तो शॉर्ट से जा रहे हैं, वो भी भाई साइकिल। और ये मंदिर हमको दिख रहा है भाई, ये बहुत बड़ा बनेगा, अभी से ओपन कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। इसका टारगेट था 20 साल में बनने का, अभी 5 साल भी नहीं हुए शायद, पता नहीं। और मंदिर के हम बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। वैसे मंदिर तो भाई हमारे बिल्कुल साइड में, यानी कि इधर, पर हमको जाना होगा इधर से, क्योंकि इधर से को गेट नहीं दिया उन्होंने। चले तो गाइस दोस्त भी चलने के लिए राजी हो गया, और ये फुर्ती में ले जा रहा है। अरे भाई जा रहे हैं यहाँ पर, वरना हमारे घर से तो बहुत दूर है। और ये देखो गेट बना हुआ है, और भीड़ देखिए यहाँ पर, भीड़ कितनी है। तो भाई हम रोड पर तो पहुँच गए, हमके रॉन्ग साइड जाने पर भाई भीड़ इतनी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ना जन्माष्टमी थी, और आज के दिन वाहन बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, इसलिए लोग बाहर पैदल जा रहे थे, ना तो कोई टमटम वगैरह, ना कोई ऑटो वगैरह थे। तो हम हॉर्न देते हुए निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि चंद्रोदय की तरफ। तो अभी दोस्ती चला रहा साइकिल, देख सकते हैं भाई भीड़ तो बहुत थी। आज मौसम बड़ा सुहाना है, हमको ब्लॉग बनाना है, तो भाई भीड़ आप देख सकते हो कितनी आपको दिख रही होगी, अभी बहुत आगे तक है। और हम बस पहुंच गए भाई, आपको ये दिख रहा होगा, ये पुराना वाला गेट है, ये गेट अब बंद कर दिया गया है, मैं इसको दिखा नहीं रहा आपको। हम चलते हैं अगले। तो ये मेन गेट है भाई, यहाँ से जाएंगे और एंट्री करते भाई। इधर तो भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पता नहीं कहाँ गए लोग बाहर। तो हम अपनी साइकिल को कहीं पार करते हैं और फिर चलते हैं वो उस मंदिर की तरफ। तो कहीं पार कहीं देखते हैं कहाँ पर और किसी की बाइक खड़ी है। तो भाई एक मंदिर और था जिसमें पहले मूर्ति थी, ये वाला, अब ये मंदिर बंद कर दिया चुका है, क्योंकि अब इसकी मूर्ति वहाँ गई है। तो मतलब वो बड़ा मंदिर है, तो उसी को ले दिखाएंगे, इसको क्या करेंगे अब। तो भाई हमको पार्किंग दिखी, तो ये रही पार्किंग। मैंने अपने दोस्त कहा तू उधर से घुमा के ला, मैं इधर से जा रहा हूँ। तो वो साइकिल को मुड़का रहा है और लेके जा रहा है। साइकिल पार्क करते हुए हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ, जो कि अभी यहाँ से बहुत दूर है भाई, इतनी दूर है, करीबन हो गई 400 मीटर करीबन। तो ये आय कर रहा है और हम निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। जो गांव का खाना आता है गवर्नमेंट स्कूलों का हमारे एरिया में, वो अच्छे पात्र से आता है, आपको दिखाते हैं। ये उसकी बहन है, बहुत सारी बहन खड़ी है, यहाँ से खाना जाता है वहाँ की तरफ। तो अब हम चलते हैं सीधे। तो हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ लोग जा रहे हैं राधे राधे का जाप करते हुए। तो हम भी अब चलते हैं मंजिल की तरफ। तो भाई अब हम इनके बहुत ही करीब हैं मंजिल के, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि हरियाली रहे चारों तरफ, और उधर जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम तो पहले मंदिर देखते हैं फिर उधर चलते हैं। और यहाँ पर ड्रोन से भी शूटिंग हो रही है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है ना, तो लाइव आ रहा है हर जगह पर, आप देख लो यूट्यूब पर भी लाइव होगा अभी भी शायद। तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ। चलो ऊपर से देख लो गाइस, यहाँ के दोनों साइड ना हर एक पहले जूते उतार के आते हैं। जूते उतारने के बाद भाई हम थोड़ा
सोचा एक वीडियो बना ले, पर मेरे दोस्त ने बिल्कुल बेकार वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कितनी बेकार बनाई है। और यहाँ पर अंदर घुसते भाई, यहाँ पर तीन मूर्ति रखी है, मतलब तस्वीरें, और नीचे का नज़ारा तो कहीं कति भयंकर लग रहा था, यानी कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हम सीढ़ियों से जा रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो सीढ़ियों पर जाते हुए गाइस ये हमको मेरी फर्स्ट मंजिल। तो हमने सोचा यहाँ का व्यू दिखाएं, तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हो अच्छा लग रहा था भाई। अभी और ऊपर चलते हैं क्योंकि थर्ड मंजिल पर है, यहाँ का भी व्यू देख लेते हैं। इसके साइड में भाई हमारा गाँव है, वहाँ पर ही हम रहते हैं। और हम जब पहुँच चुके हैं मेन फ्लोर पर, जो कि यहाँ पर मूर्ति रखी है जो श्री कृष्ण और राधा जी की है। और यहाँ किसी ने पेंटिंग बनाई है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग, नहीं भाई रंगोली है। और अंदर जाते भाई यहाँ पर ये फ्लेसी है, हमको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, बाहर इतनी गर्मी थी, और भाई अंदर जाके तो मज़ा आ गया। तो अभी आपको दिखाएंगे, सामने ये बैनर लगा दिया गया है क्योंकि साइड से देखेंगे ना, इधर से नहीं जा सकते, उधर से जाना होगा। तो भाई हम उधर से चलते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से जो लौट कर आएंगे वो सामने मूर्ति है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इधर से, यहाँ पर कुछ लोग बाहर थे, कुर्सी भी लगाई गई हैं क्योंकि रात को प्रोग्राम है ना, इसलिए हम रात को तो आ नहीं सकते। और अब हम चलते हैं उनके पास। तो गाइस हॉल तो भाई बहुत ही बड़ा था, और यहाँ पर साइड में कृष्ण जी झूला झूल रहे थे, और उनकी साइड में पूजा हो रही है, आप देख सकते हो। फ़ोटो शूटिंग भाई बहुत कर रहा चल रहा है, यहाँ पर भीड़ हो रही थी इसलिए हम ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाए। तो हम आपको झूला दिखाते हुए, झूला झूलते हुए दिखा सकते हैं, आप देख लो झूला झूल रहे हैं। और आगे जाते भाई यहाँ पर टीवीओं में उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, और यहाँ पर छप्पन भोग रखे हैं और कलश भी रखे हैं बहुत सारे। ये देखो छप्पन भोग और ये कलश हैं, और वो रही मूर्ति भाई, ये अदर कंट्री से मंगाई गई मूर्ति है, यानी कि विदेश से आई गई मूर्ति है। और रात को लगेंगे छप्पन भोग। तो हम चलते हैं आगे, देख लो भाई कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, और ये भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं गिम्बल से। अब हम चलते हैं भाई, बाहर का नज़ारा तो भाई इतना अच्छा लग रहा था ना। और यहाँ पर दोनों साइड लिखा था हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र है। और हम चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। और आप लोग करोगे मैंने अपना फेस नहीं दिखाया, इसलिए मैंने अब इस वीडियो में अपना फेस भी दिखा दिया, क्योंकि भाई भीड़ ज़्यादा थी ना इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा पाई। तो आप अब देख लो, तो यहाँ पर प्रोग्राम होगा, यहाँ पर प्रोग्राम होगा भाई रात को। और ये मंदिर भाई मैंने सोचा इसको घुमा रहे, पर इतनी अच्छी वीडियो बनी नहीं थी मैंने सोची थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को पकड़ा दी थी फोन। हम कहीं गए थे बाहर, मतलब कि यहाँ से थोड़ा दूर गए थे, कुछ काम था मुझे। अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई फिर से आप देख लो कुछ भी नहीं, और पेड़ भाई इतने थे ना यहाँ पर, बहुत सारे पेड़ थे पर कुछ नहीं। और हमने लास्ट सीन और ले लिया इस मंदिर का, क्योंकि निगाहें नहीं हट रही थी बहुत सालों बाद। तो भाई मतलब जब मैं छोटा था तभी मंदिर के उद्घाटन के लिए कुछ मंत्री आए थे, और ये बीच में एक बिल्कुल बीच में भाई लाइट लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और पता नहीं भाई यहाँ पर कोई ऐसो मतलब कोई आया था, सीओ लेकर आया था, पता नहीं कौन था, जैंत लिख रही थी भाई गाड़ी पर। तो आप चलते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ पर बतख देखे लग सकते हैं, बतख यहाँ पर और पानी फारे। और ये भाई ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पर, इनसे हमने बात करी थी, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। और ये बतख भाई कितनी प्यारी लग रही है ना, और रात में तो फारे। तो गाइस आप चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसी और ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।